दो लोग मोटरसाइकिल से आए, उनने पूछा भैया कौन आ रहा है। मैंने कहा अमित शाह सर आ रहे हैं। बोले वो पहली बार बता रहे आ रहे हैं? तो मैंने कहा जो रिकॉर्डिंग है वो बज रही है, हमें कहा बता। तो बोले वो काम यहाँ धर्मेंद्र यादव जी कर रहे हैं, और आप वोट किसको दे रहे हो? तो हमने कहा वोट तो हमने सांसद जी को पिछली बार दिया था, फिर देंगे। तो कई गाड़ी पर थूक दे, बोले मोदी के भड़वे तो झूठ बोल रहा है। तो मैंने कहा भैया गाड़ी पर ना थूको, जो रोजी रोटी हमारी है। कई वो मारने लगे, बोले हमने थूका है। पहले थूकते फिर पूछते हमने थूका, क्या प्रूफ है? मैंने कहा भैया प्रूफ का आप थूक जो पड़ा है यही प्रूफ है, मानो ना मान तो कोई बात नहीं, हम साफ कर देंगे। मगर दूसरे लोग है वो दोनों लोग मिलके पीटने लगे। सर हमारे कानों से सुनते हैं सर, बज रही है सर, हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है सर। बोले सपाई है हम, तुम क्या कर लोगे? तुम्हारा शासन तो शासन हमारा क्या कर ले हो? कहते दोनों लोग मारते रहे। फिर जब भीड़ जुटने लगी तो वो गाड़ी लेके अपनी भाग निकले। वो लोग गद्दी चौक की तरफ से आए, उधर सपा की बैठक हो रही है, वहीं से वो लोग आ रहे। बोले हम मीटिंग से आ रहे हैं अभी, हमारे सांसद जी आ ही नहीं सकते हैं। हमने कहा अच्छी बात है, हम वोट हम भी दे देंगे। मगर बोले तू तो भड़वा है मोदी को, तो मोदी को बड़ा भड़वा बना घूमता है, और तुझे मोदी ही मिलते हैं। तो मैंने कहा भैया ऐसी कोई बात नहीं, हम तो गरीब आदमी हैं, जो पैसा देगा हम इसका काम करेंगे। मगर उन